ये वही है जो एक दिन यीशु के नाम से शर्मा रहे और आप दूसरों के लोगों के घर घर जाकर बताते हैं। आमीन। यहाँ पे एक सिस्टर है, वो मानपिंड से वो आए हैं। देखो, जिसकी जो चाहत है परमेश्वर उसे देगा, जिसकी जो चाहत नहीं उसे नहीं मिलेगा। बिना चाहत से कुछ नहीं मिलता। नहीं आए पापा? ये मानपिंड तो आए काफी। नहीं वो, हाँ वो देखो हाथ खड़ा कर रही। हाँ, माइक लेकर जाओ। जब ये नए नए आए थे, जब ये नए नए प्रभु में आए थे, तो इनकी खुद की प्रॉब्लम थी, जो खुद की प्रॉब्लम जिसके कारण ये आए थे। पर ये सिर्फ इसलिए आए कि मेरा काम हो जाए। और जब ये यहां पे चर्च में आते थे तो ये चोरी आते थे, किसी को पता ना चले। क्या ना चले? किसी को पता ना चले कि मैं चर्च आती हूं। ऐसे होता ना कईयों को। अगर आज भी आप यहां पे आए, अगर आपके कोई आपके गवांडी पड़ोसी हैं, जो कोई रिश्तेदारी में कोई ऐसे बहुत क्लोज हैं जो हो सकता क्या करते हो, यीशु मसीह के नाम से नफरत करते हो, तो आप यहां पे आए हो तो उनको पता चले, वो पूछे, तो आप झूठ बोलोगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। तो है कोई फायदा? उसने कहा, जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। तो ये आ तो रहे थे पर लोगों के सामने इनकार कर रहे थे। ये चोरी आती है, अगर लोग पूछे तो बस जी मैं तो उठे रिश्तेदार कैसे होते, झूठ 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 झूठ। जब मैंने इन्हें समझाया सिखाया परमेश्वर के कानून नियम हर चीज, तो खुदावन्द ने इनकी मन की आंखें खोली। क्या खोली? और जब इन्हें समझ आई परमेश्वर के राज्य की, उसके नियम की, बोलो क्या आई? समझ आई, तो इनका मन की आंखें खुली। इन्हें समझ आई कि परमेश्वर ने हमें कौन सा जीवन देने के लिए बुलाया और प्रतिज्ञा की, वादा किया। जब बुद्धि खुली, समझ खुली, मन की आंखें खुली, तो ये इनकी चाहत थी। पहले ये शर्मा रहे थे अपने गांव के लोगों से। जब बुद्धि खुली तो ये लोगों को बताने लगे घर घर जाकर। ये इसकी इनकी चाहत थी कि मेरे साथ कुछ लोग मेरे साथ होने चाहिए, मैं अकेले नहीं जाना चाहिए। इसकी चाहत क्या थी? इनकी चाहत थी। और ये लोगों को बता रहे थे, जिसको भी ये बताते थे कोई भी इनके साथ तैयार नहीं होता। एक बार खुदा मुझे इनके पास लेकर गया और ये ऐसे निराश थे मन में, ऐसे कि कोई भी मेरे साथ तैयार नहीं, जिसको मैं बताती हूँ सब वो आते नहीं है। मैंने कहा नहीं, आप किससे मांगो। आज इनके साथ कितनी फैमिलियां हैं? कितनी फैमिलियां आपके साथ? चार फैमिलियां दे दी, जो पांच फैमिलियां दी है, जो पूरी तरह से परमेश्वर की ओर से और जुड़ी हुई है, और उसका फल परमेश्वर देगा। जैसे दानियल की पुस्तक में लिखा 10 अध्याय में कि जो दूसरों को बताते हैं उस दिन उनकी स्वर्ग में चमक तारों के जैसे होगी। आपको नहीं पता उनकी चमक, दूसरों को जो लोग बताते हैं, दूसरों को बचाते हैं, उनकी चमक स्वर्ग के तारों के जैसे होगी। इनकी चाहत थी, जिसकी चाहत थी, जो चाहता ही नहीं है अपने लिए, मेरा हो जाए। देखो लिखा, परमेश्वर में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं, उसमें की हुई प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, जैसे चार की छह में लिखा कि जो तुम प्रार्थनाएं करते हो किसके सामने, किसके सन्मुख, जिस चीज के लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हो उसका भाई रिजल्ट आना ही आना है। आप परमेश्वर के काम के लिए कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मैंने कहा एक एक चीज का रिजल्ट आना है। जिस बंदे से जगह ली वो खुद पटवारी, उसका पिता कानो था, कानगो जिसे बोलते ना, कोई वो बंदा पैसे की कमी नहीं है, क्या कर लेंगे, पर कौन है हमारा बाप? कौन है? बड़े बड़ों को वो नीचे कर देता है और बड़े बड़ों की मूर्ख बुद्धि क्या कर देता है, बंद कर देता है। आमीन, हालेलुया। इनकी चाहत थी और खुदावंद ने इनकी चाहत को पूरा किया। आज बहुत सारे लोग इनके साथ हैं और परमेश्वर स्वर्ग में इसका फल देगा। जैसे यीशु मसीह ने वो तोड़ों का दृष्टांत दिया, एक को 3 दिए, एक को 5, एक को 3, एक को 2 और एक ने। उसने कहा क्या कमाया तुमने? वापस आया, उसने पूछा, लेन देन करने के लिए बोला था,
जिसने पांच दिए उसने कहा पांच कमाए, तीन वाले ने तीन, दो वाले ने दो, एक वाले ने कहा तू कठोर मनुष्य था मैंने दबा दिया तेरा तोड़ा, उसने कहा ये आलसी मनुष्य है इसे कहां पर फेंक दो क्योंकि इसने लेन देन नहीं किया। देखो कोई भी चीज है जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उत्तर आना है। मैं क्यों कह करता हूं परमेश्वर अन्याय नहीं है, जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं देखना परमेश्वर आने वाले दिनों में क्या करेगा, लाजवाब होगा। मैंने कहा लाजवाब होगा यीशु मसीह के नाम से। वो ऐसा परमेश्वर है ऐसी 10 जगह भी छोटी पड़ जाएंगी। मैंने कहा ऐसी 10 जगह भी छोटी पड़ जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। वो सर्वशक्तिमान है, जब हम चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, मन रखते हैं किसी भी चीज के लिए, परमेश्वर हमें बढ़ाता और उसका फल देता है पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी। इसका फल हमको पृथ्वी पर भी देगा, ऐसा नहीं कि स्वर्ग में मिलेगा, यहां पर भी देगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, इसी रीति से चाहत से उसकी सेवा करते रहना, परमेश्वर बढ़ाएगा। ये वही है जो एक दिन यीशु के नाम से शर्मा रहे और आप दूसरों के लोगों के घर घर जाकर बताते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किस लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, ध्यान करो बाइबल कहती किस लिए आपने बुलाया। ठीक है बैठ जाओ, परमेश्वर आपको बरकत।